Hello dear students, this is your science video assignment number 14 and today we will commence with a new chapter. Chapter number 11 and the name of the chapter is Measurement. In our everyday life, we measure different things such as heaviness of objects, amount of liquid in a glass, length of clothes and time in a clock. सो हमारी एवरीडे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को मेज़र करते हैं, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट की हैवीनेस, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी है, अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ ग्लास, कि ग्लास में कितना लिक्विड है, क्लोथ्स की लेंथ, और क्लॉक में हम मेज़र करते हैं कि टाइम कितना है. मेजरमेंट इज़ फाइंडिंग द नंबर दैट टेल्स अस अबाउट द साइज और अमाउंट ऑफ समथिंग. सो मेजरमेंट एक्चुअल में कोई नंबर होता है जिससे हमें किसी चीज़ का साइज और अमाउंट पता चलता है. मेजरमेंट ऑफ लेंथ, हम पढ़ेंगे कि हम लेंथ को कैसे मेज़र कर सकते हैं. लेंथ इज़ द मेज़र ऑफ हाउ लॉन्ग, टॉल और फार अपार्ट थिंग्स आर. सो लेंथ से हम मेज़र करते हैं कि कोई चीज़ कितनी लंबी है, कोई चीज़ कितनी टॉल है, मतलब किसी चीज़ की कितनी हाइट है, और कोई चीज़ कितनी दूर है. In olden days, people used to measure length with the help of their body parts like hand, arm and foot. So, पुराने टाइम में लोग अपने बॉडी पार्ट्स की हेल्प से लेंथ को मेज़र करते थे, जैसे कि हैंड, आर्म्स और फुट की हेल्प से. दिस इज हैंड स्पान. अगर हम हाथ से लेंथ को मेज़र करेंगे तो इस चीज़ को हम हैंड स्पान बोलते हैं. दिस इज़ फुट स्पान, दिस इज़ स्ट्राइड और पेस, और दिस इज़ क्यूबिट. क्यूबिट है, अपनी एल्बो की हेल्प से हम डिस्टेंस और लेंथ को मेज़र कर सकते हैं. नाउ सिमिलरली क्यूबिट एंड स्ट्राइड ऑल्सो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो ये तरीका, बॉडी पार्ट से लेंथ को मेज़र करने का तरीका, लोगों ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सारे लोगों की जो हाथ है वो एक ही साइज़ के नहीं होते, किसी के छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो मतलब कि लेंथ एक्यूरेट सही नहीं आती. Hence, their measurements were not accurate. इसलिए मेजरमेंट सही नहीं थी. हैंड स्पान, फुट स्पान, क्यूबिट एंड स्ट्राइड आर देयरफॉर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. क्योंकि उसमें से कोई भी लेंथ सही और एक्यूरेट नहीं आती थी, इसीलिए हम इनको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलते हैं. सो देयर वॉज अ नीड टू हैव फिक्स्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग थिंग्स. सो हमें ऐसी यूनिट्स की ज़रूरत थी, जैसी चीज़ों की ज़रूरत थी जिस पे कि लेंथ हम अच्छे से मेज़र कर सकें और बिल्कुल सही मेज़र कर सकें. दीज आर नोन एज स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर द मेज़रमेंट. और उन यूनिट्स को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट. द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेज़रिंग लेंथ इज़ मीटर. सो अगर हमें लेंथ को मेज़र करना है तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट पता होनी चाहिए, और वो होती है मीटर. मीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र लॉन्ग लेंथ्स. सो लंबे लेंथ्स को मेज़र करने के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं. सेंटीमीटर इज़ यूज टू मेज़र शॉर्ट लेंथ्स. शॉर्ट लेंथ्स को मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर को हम यूज़ करते हैं. किलोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेज़रिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस. किलोमीटर को हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए. तो मीटर को हम यूज़ करते हैं लॉन्ग लेंथ मेज़र करने के लिए, सेंटीमीटर को शॉर्ट लेंथ के लिए, और किलोमीटर को लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए. We can use rulers, measuring rods and measuring tapes for measuring lengths. So length को मेज़र करने के लिए हम rulers use कर सकते हैं, scales को use कर सकते हैं, measuring rods को use कर सकते हैं, and measuring tapes को भी use कर सकते हैं. Next is measurement of mass. हम mass को कैसे measure कर सकते हैं. The pumpkin is heavier than the balloon because the balloon and pumpkin have different mass. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैलून्स है और यहाँ पे पम्पकिन है. ये देखने में एक ही साइज़ के लगते हैं, बट फिर भी जो पम्पकिन है वो हैवी है एंड बैलून्स जो हैं वो लाइट है. क्यों? क्योंकि जो पम्पकिन है उसका मास ज़्यादा है और जो बैलून है उसका मास कम है. मास इज़ द अमाउंट ऑफ मटीरियल प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. सो मास क्या होता है? कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मटीरियल प्रेजेंट है. The commonly used units for measurement of mass are gram and kilogram. So mass को मेज़र करने के लिए जो यूनिट्स हैं वो ग्राम एंड किलोग्राम है. हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड यूजिंग किलोग्राम, वाइल लाइटर ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड यूजिंग ग्राम.
सो जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं और जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम ग्राम यूज़ करते हैं. अ वेइंग बैलेंस एंड वेट्स आर यूज्ड टू वे ऑब्जेक्ट्स. सो एक वेइंग बैलेंस और वेट्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट या फिर मास पता कर सकते हैं. नाउ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. यावेद एंड कुसुम आर फिलिंग द बकेट्स विद वाटर. दे यूज्ड मग्स फॉर ऑफ डिफरेंट साइज टू फिल देयर बकेट. अब ये दो बच्चों ने क्या किया कि बकेट्स को फिल करने लगे वो मग की हेल्प से. बट उनके जो मग थे उनकी साइज डिफरेंट थी. अब इसका मग बड़ा था और इसका मग छोटा था, तो किसका जल्दी भर हो जाएगा? जिसने बड़ा मग यूज़ किया वो जल्दी से अपनी बकेट को फुल कर लेगा. Why is it that Yavid and Kusum use different number of mugs to fill the same sized bucket? So, जो या कुसुम थी उसने 15 mugs में बकेट फुल कर ली और जावेद ने 17 mug में. मतलब इसने जल्दी कर ली. क्यों? क्योंकि इसका मग बड़ा था. The quantity of liquid a container can hold is known as its capacity. तो इसका मग बड़ा था मतलब उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा थी. कैपेसिटी होती है कि एक कंटेनर कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है. मतलब अगर एक कंटेनर बहुत सारा पानी होल्ड कर सकता है तो मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है. अगर उसमें थोड़ा सा ही पानी पड़ेगा तो मतलब उसकी कैपेसिटी कम है. तो इन दोनों में से इसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी और इसकी कैपेसिटी कम थी क्योंकि इसमें कम पानी फिट हो सकता था और इसमें ज़्यादा. Take a closer look at the mugs of Javed and Kusum. Both Javed and Kusum had mugs of different capacity. Hence, they both used different number of mugs to fill the bucket. अब उनके mugs different size के थे इसीलिए उन्हें किसी को कम time लगा bucket fill करने में और किसी को ज़्यादा लगा. The smaller mug has less capacity. The bigger mug has more capacity. Smaller mug की capacity कम है और bigger mug की capacity ज़्यादा है. द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर. सो अगर हमें कैपेसिटी को मेज़र करना है मतलब लिक्विड्स को मेज़र करना है तो लिक्विड्स के लिए हम लीटर यूज़ करते हैं. वी कैन मेज़र अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग लीटर. मतलब अगर हमें ज़्यादा लिक्विड को मेज़र करना है तो हम लीटर यूज़ करेंगे. एंड अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग मिली लीटर. और अगर कम लिक्विड को मेज़र करना है तो हम मिली लीटर यूज़ करते हैं. To measure liquids, we can use measuring cylinders and measuring cans. तो liquids को measure करने के लिए हम cylinders और measuring cans को use कर सकते हैं. ये एक measuring cylinder है और ये एक measuring can है. इनकी help से हम किसी भी liquid को या किसी भी liquid की capacity को measure कर सकते हैं. Now let's discuss today's written assignment. First is checkpoint number 1. ये आपको अपनी बुक में ही करना है. स्टेट ट्रू और फॉल्स. लेंथ इज़ द मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज़. सो लेंथ से हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना लेंथी है. तो ये ट्रू है. थिंग्स डैट लुक द सेम इन साइज कैन हैव डिफरेंट मास. सो वो चीज़ें जो देखने में सेम लगती हैं बट उनका क्या मास अलग अलग हो सकता है. दिस इज़ ट्रू क्योंकि हमने किया था यहाँ पे एक पम्पकिन और बैलून देखने में इनका साइज सेम है बट मास डिफरेंट है. पम्पकिन का मास ज़्यादा है और बैलून का मास कम है भले ही ये देखने में एक ही साइज के लगते हैं. नाउ द कॉमन यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ मास आर मीटर एंड सेंटीमीटर. दिस इज़ फॉल्स क्योंकि मास को हम मीटर और सेंटीमीटर में मेज़र नहीं करते. मीटर और सेंटीमीटर में हम लेंथ को मेज़र करते हैं. मास को हम ग्राम और किलोग्राम में मेज़र करते हैं. वी मेज़र लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड्स यूजिंग लीटर. दिस इज़ ट्रू क्योंकि हम ज़्यादा लिक्विड्स को अगर हम मेज़र करते हैं तो हम लीटर यूज़ करते हैं. द क्वान्टिटी ऑफ अ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड इज़ नोन एज इट्स कैपेसिटी. ट्रू एक कंटेनर कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है उसी को उसकी कैपेसिटी बोलते हैं. मतलब ये ट्रू है. Moving on, objective type questions. Tick the correct option. Liter and milliliter are the standard units for the measurement of capacity. अब liter और milliliters को हम liquid को measure करने के लिए use करते हैं और उसको हम कह सकते हैं कि हम capacity measure करने के लिए use कर सकते हैं. To measure mass, we use a weighing balance.
वेइंग बैलेंस की हेल्प से हम मास को मेजर कर सकते हैं। 60 मिनट्स मेक 1 आवर, ये हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। द मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज टू मेजर कैपेसिटी। मेजरिंग सिलेंडर को हम लिक्विड्स और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मोमीटर की हेल्प से, ये तो आप सभी को पता ही होगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। इन अर्ली डेज पीपल यूज देयर डैश पार्ट्स टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कौन से पार्ट्स यूज करते थे वो? बॉडी पार्ट्स को। क्यूबिट इज अ डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो जो क्यूबिट था वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट थी, क्योंकि उसकी जो मेजरमेंट की लेंथ थी वो एक्यूरेट नहीं आती थी, सही नहीं आती थी, मतलब नॉन स्टैंडर्ड था। द डैश इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। मास मेजर करने के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं? ग्राम एंड किलोग्राम। पेट्रोल इज मेजर्ड इन लीटर्स। ये आप सभी को पता होगा कि पेट्रोल को हम लीटर में मेजर करते हैं, क्योंकि पेट्रोल भी एक लिक्विड है और इसको हम लीटर्स में मेजर करते हैं। 60 seconds मेक 1 मिनट। एक मिनट में 60 seconds होते हैं। नाउ फाइंड द ऑड वन आउट। ये बुक में ही करना है आपको। मिल्क, एप्पल एंड ऑरेंजेस। अब यहाँ पे एप्पल और ऑरेंजेस फ्रूट्स आ गए, बट जो मिल्क है वो लिक्विड है, तो ये ऑड है। नाउ केल्विन, किलोग्राम एंड सेल्सियस। अब केल्विन एंड सेल्सियस ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं, बट जो किलोग्राम है वो मास की यूनिट है, तो ये ऑड आ गया। नाउ ग्राम, फ़ारेनहाइट एंड किलोग्राम। अब ग्राम और किलोग्राम हम मास मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, बट फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है, तो मतलब ये ऑड है। नाउ सूट पीस, टेबल क्लॉथ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस। अब सूट पीस और टेबल क्लॉथ को हम मीटर रॉड की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, बट जो दो हाउसेस के बीच का डिस्टेंस है वो अलग चीज़ आ जाता है। नाउ क्लॉक, मेजरिंग टेप एंड रूलर। नाउ रूलर और मेजरिंग टेप की हेल्प से हम लेंथ को मेज़र करते हैं, बट जो क्लॉक है उसके उसमें हम टाइम को मेज़र करते हैं, तो क्लॉक ऑड है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।